हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक जनरल अवेयरनेस पर आधारित है। इस टॉपिक पर 4 वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। यदि अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर एक प्रश्नों के साथ कई अन्य प्रश्नों को भी बताया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, बोनस लाइन का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबड्डी। बोनस लाइन का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। कबड्डी को जिस कोर्ट में खेला जाता है उसमें कई लाइंस होते हैं। मान लीजिए कि यह कबड्डी की कोर्ट है। इस कोर्ट के बीच में एक मिडिल लाइन होता है। इस प्रकार यह 2 भागों में बढ़ जाता है। इस लाइन के बाद 3 लाइन और होता है। एक होता है बल्क लाइन, दूसरा होता है बोनस लाइन और सबसे लास्ट का होता है इंड लाइन। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 लाइन होते हैं। बीच का हो गया मिडिल लाइन, इसके बाद का हो गया बल्क लाइन, इसके बाद बोनस लाइन एवं इंड लाइन होते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स के कोई एक खिलाड़ी दूसरे बॉक्स में प्रवेश करता है। यदि वह खिलाड़ी इस लाइन को टच करते हुए अपने बॉक्स में आ जाता है, ऐसा करने पर उस टीम को 1 अंक बोनस के रूप में मिलता है। परंतु इसके लिए एक शर्त है, दूसरे पक्ष में बचाव के लिए कम से कम 6 से 7 खिलाड़ी होनी चाहिए, तभी इस लाइन को छूने के बाद उसे 1 अंक बोनस अंक मिलता है। कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा वाटर पोलो एवं नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। यह खेल कुल मिलाकर 40 मिनट का खेला जाता है। इस 40 मिनट में 20-20 मिनट का 2 भाग होते हैं। कबड्डी की कोर्ट की माप 12.5 से 10 मीटर होती है। फेडरेशन कप एवं विश्व कप कबड्डी के 2 महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। कबड्डी के रूप में यह खेल मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। इस परमाणु परीक्षण का गुप्त नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसता बुद्धा। कई बार आपको ऑप्शन में स्माइलिंग बुद्धा भी दिया रहेगा। वर्तमान में पोखरण जैसलमेर जिला में स्थित है। इस परीक्षण के समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति वेंकट गिरी थे। इस प्रोजेक्ट का दायित्व राजा रमन्ना के पास था। राजा रमन्ना उस समय बार्क के निर्देशक थे। यह परीक्षण सुबह 8:05 में किया गया था। इसके 24 साल बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। यह परीक्षण 11 मई एवं 13 मई को किया गया था। कुल मिलाकर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। यह परीक्षण भी पोखरण में ही किया गया था। इस ऑपरेशन का गुप्त नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। इस परीक्षण के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति के आर नारायणन थे। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम काफी योगदान दिए थे। अतः इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको दोनों ऑपरेशन का नाम याद रखना है। पहले के लिए हंसता बुद्धा है, जबकि दूसरे के लिए ऑपरेशन शक्ति है। देखिए, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। आइए टिप्स के माध्यम से इसे आसानी से याद करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, भारत 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किया था। इस प्रकार भारत पूरे विश्व में नाभिकीय शक्ति के रूप में उभर कर आया था। बस आपको इस लाइन को याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पायरोमीटर से उच्च दाब को नहीं मापी जाती है। यहाँ पर दाब के स्थान पर आपको ताप याद रखना है, अर्थात उच्च ताप को पायरोमीटर से मापी जाती है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनेमोमीटर, इससे पवन का वेग मापी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट, इससे जहाज की चाल की माप की जाती है। नेक्स्ट है नॉटिकल मील, इसका प्रयोग नौ संचालन में दूरी मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर नॉट और नॉटिकल मील में बहुत ही छोटा अंतर है। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं एक टिप्स बताता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मील दूरी का मात्रक है, बस आपको इसी माध्यम से जोड़कर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग सुधार। रंगराजन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी इन दोनों के बीच स्थित है। इस नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से हुआ है। यह नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसके अलावा ताप्ती और माही नदी भी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कई बार आपको खंभात की खाड़ी के स्थान पर अरब सागर का नाम दिया हो रहेगा। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। यह पर्वत गुंडवाना स्थल का भाग है। इस पर्वत का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। वह राज्य है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एवं दिल्ली। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी साहित्य रत्न। यह पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था। ये सही पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। संत तुलसीदास अकबर के शासनकाल में थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुशल ग्रामीण के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चोल। प्राचीन भारत में चोल एक ऐसा राजवंश था जिसके ग्रामीण क्षेत्र काफी कुशल थे। इस वंश की स्थापना 9वीं सदी में पल्लव के बाद हुई थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इन्होंने तंजौर को राजधानी के रूप में बनाया था। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 61वें। 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसके तहत जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। ऑप्शन बी में 24वें संविधान संशोधन। यह संशोधन 1971-72 में किया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। अब तक का यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। हमारे संविधान में सबसे अधिक चीजों को इसके तहत ही जोड़ा गया है। यह संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन। यह संशोधन 1978 में हुआ था। पहले संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, परंतु इस संविधान संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क्रम में है। इसी संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे वापस 5 वर्ष कर दिया गया। यहाँ पर इन दोनों को ईयर याद करने में काफी कंफ्यूजन होता है। आइए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस ईयर का पहला अंक 6 है। बस आपको यहाँ से जोड़ के याद रखना है। इसी प्रकार 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इस संशोधन का पहला यूनिट 8 है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। आप यदि इस माध्यम से याद करते हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को 1793 में लागू किया था। इस व्यवस्था में मुख्य रूप से जमींदारों के माध्यम से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। इकट्ठा किए गए राजस्व में से 90% कंपनी को दिया जाता था, जबकि शेष 10% जमींदार अपने पास रखता था। इस व्यवस्था को जॉन सोर ने बनाया था। तो इस प्रकार आपको 2 प्रश्न याद रखना है। इस व्यवस्था को किसने लागू किया, तो आपको नाम याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि इस व्यवस्था को किसने तैयार किया, तो आपको नाम याद रखना है जॉन सोर। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में लॉर्ड क्लाइव। यह बंगाल का पहला गवर्नर था। बाद में इसे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया। अतः यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं होता है। यहाँ पर ए से ऑटोमेटेड होता है, जबकि शेष सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी में URL। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से एल से लोकेटर याद रखना है। नेक्स्ट है FTP। इसमें कई बार ट्रांसफर के स्थान पर गलत ऑप्शन दे देता है। नेक्स्ट है OMR। इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जांच करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। यह एक प्रकार की संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर देखिए 50 25 का दुगना है। इसके माध्यम से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। प्रत्येक साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह सम्मेलन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। यह कांग्रेस का 52 सम्मेलन था। आइए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था।
उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इनकी मृत्यु सन 1945 में फॉर्मोसा द्वीप के समीप हुआ था, परंतु आज तक इनकी मृत्यु मिस्ट्री बना हुआ है। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम। इन लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग होता है, खासकर ये लैंप सड़क के किनारे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम की संकल्पना प्रस्तुत की थी। न्यूलैंड्स का कहना था कि यदि सभी तत्वों को द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रखते हैं तो उस क्रम के पहला एवं आठवें तत्व का गुण समान होगा। इसी प्रकार डोब्रेनर ने त्रिक नियम दिया था। आइए कुछ यहाँ से अन्य प्रश्नों को देखते हैं। आवर्त सारणी की खोज मेंडलिफ ने किया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोस्ले ने किया था। मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर था, जबकि मेंडलिफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार था। अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महामारी। परंतु आप ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन अंग्रेजी में दिया रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पे पैंडेमिक से याद रखना है। उदाहरण स्वरूप कोरोना वायरस को ले लीजिए, वर्तमान समय में पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसे रोग को ही पैंडेमिक या महामारी कहते हैं। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक है इंडेमिक, दूसरा है एपिडेमिक, तीसरा है आउटब्रेक। इन चारों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग छोटा क्षेत्र लेते हैं, उसके बाद बड़ा क्षेत्र लेते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा क्षेत्र लेते हैं। ऐसा रोग जो किसी निश्चित क्षेत्र में कुछ लोगों में होता है उसे इंडेमिक रोग कहते हैं, जबकि कुछ रोग ऐसे रोग होते हैं जो बड़ी आबादी में तेजी से फैलता है। यह रोग 2 सप्ताह या उससे कम में फैलने लगता है, ऐसे रोग को एपिडेमिक कहते हैं। परंतु यह रोग विश्व स्तर पर नहीं फैलता है, जबकि पूरे विश्व में यदि वो फैलता है तो उसे महामारी कहते हैं। यहाँ पर एक है आउटब्रेक, मान लीजिए किसी क्षेत्र में रोग फैल चुका है, ऐसे क्षेत्र में एक अंदाजा लगाया जाता है कि रोगियों की संख्या इतना हो सकता है। आइए इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि अनुमान लगाते हैं कि उस क्षेत्र में 100 से 200 रोगी होंगे। मान लीजिए कि जांच करने के बाद वह रोगियों की संख्या 3 से 4 हजार आ जाती है। अतः ऐसी अवस्था को आउटब्रेक कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र में अपेक्षा से अधिक बीमारी के मामले दर्ज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए स्वादकलिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्श्वों में। जीभ के पार्श्वों भाग में खट्टे स्वाद की कलिकाएं होती है। यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक मीठे स्वाद से संबंधित होता है, दूसरा नमकीन से संबंधित होता है, तीसरा कड़वा से संबंधित होता है, चौथा खट्टे से संबंधित होता है। आपको इन चारों प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए इन चारों प्रश्नों को याद करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यह एक जीभ है, यह इसका अगला भाग है, जबकि यह पिछला भाग है, जबकि शेष यह किनारे भाग है, यह भाग बीच का भाग है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, मध में किसी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं होती है। जीभ के अगले भाग में मीठे अथवा नमकीन होती है, जबकि पिछले भाग से कड़वा स्वाद का पता लगता है, शेष किनारे से खट्टे स्वाद का पता लगता है। एक मैं टिप्स बताता हूँ जिसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे से मीठी बोल बोलते हैं, जबकि आपके पीछे में कड़वा वचन बोलते हैं। बस आपको इसी लाइन को याद रखना है। तो आगे से हो गया मीठी, यानी अगले भाग से मीठे स्वाद का पता लगता है। इसके साथ साथ आपको नमकीन भी याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यह क्षेत्र, इससे नमकीन स्वाद का पता लगता है, जबकि पिछले भाग से कड़वा स्वाद का पता लगता है, किनारे भाग से खट्टे स्वाद का पता लगता है, जबकि मध्य से किसी स्वाद का पता नहीं लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है सेब का लाल रंग, एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। यहाँ पर साइनिन से आप याद रख सकते हैं, आजकल सेब को साइनिंग करने के लिए उसमें मोम लगाते हैं, इस प्रकार आप साइनिन से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पपीते का पीला रंग, यह रंग कैरकोजेंथिन के कारण होता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। यह स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। चलिए अशोक से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं।
अशोक का सेवन मौर्य वंश से था। अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया था। इसका वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिया था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पैंथलर ने किया था, जबकि 1837 में इसके शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अंत में एक प्रश्न को और ध्यान में रखिए। अशोक की माँ का नाम शुभद्रांगी था। अतः इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर के शणमुगम शेट्टी। आजादी के बाद आर के शणमुगम शेट्टी ने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था, जबकि आजादी के पहले अंतरिम सरकार के लिए लियाकत अली बजट प्रस्तुत किए थे। यहाँ पर कुल मिलाकर 4 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि आजादी के पहले किसने बजट प्रस्तुत किया? इसका आंसर है लियाकत अली। दूसरा प्रश्न है कि आजादी के बाद किसने बजट प्रस्तुत किया? इसका आंसर है आर के शणमुगम शेट्टी। तीसरा है, गणतंत्र भारत के लिए सर्वप्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है जॉन मथाई। चौथा प्रश्न है कि प्रथम चुनी गई सरकार के लिए किसने बजट प्रस्तुत किया? इसका आंसर है सी डी देशमुख। हमारे देश में प्रथम चुनाव 1951-1952 को हुआ था। इस चुनी हुई सरकार के लिए सर्वप्रथम बजट सी डी देशमुख ने प्रस्तुत किया था। इनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, जिस समय देश के लिए वह बजट पेश किए थे उस समय वह आरबीआई के गवर्नर भी थे। इस प्रकार इन चारों प्रश्नों को एक साथ याद रखिए। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कुल मिलाकर 10 बजट प्रस्तुत किए थे। आइए बजट के इतिहास को समझते हैं। विश्व में सर्वप्रथम बजट ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था, जबकि भारत में बजट की शुरुआत 18 फरवरी 1860 को हुआ था। इसकी शुरुआत जेम्स विल्सन ने किया था। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे हमारे संविधान में वार्षिक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट को वार्षिक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेजी व्हील प्रिंटर। यह एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है। आइए समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार की टाइप राइटर की तरह कार्य करता है, जैसा कि इस पिक में आपको दिखाया गया है। इसमें अक्षर को टाइप करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। ये पिन स्याही के माध्यम से अक्षर को टाइप करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर, तीसरा हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अतः इन तीनों को नाम ध्यान में रखिए। शेष थर्मल प्रिंटर, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथन आनंद। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद विश्व प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-1992 में हुआ था। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। बस आपको इस ईयर से जोड़कर इसे याद करना है। वर्तमान में इसके तहत 25 लाख की राशि दी जाती है। पहले यह राशि 7.5 लाख थी। यदि क्रिकेटर की बात किया जाए तो सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे खिलाड़ी विराट कोहली एवं चौथे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। कुल मिलाकर 4 क्रिकेट खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से 3 पुरस्कार का नाम और ध्यान में रखिए, उसमें एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1985 को किया गया था। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। सिक्किम वर्ष 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। इसके लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में है। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रा है, एक है नाथुला, दूसरा जिलेपला। सिक्किम के प्रमुख जनजाति लेपचा व लिंबू है। सिक्किम से एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। कई लोग को लगता है कि सिक्किम सेवन सिस्टर्स में आता है,
आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोल कार की खोज फ्रैंक विटल ने नहीं किया था, फ्रैंक विटल ने जेट इंजन की खोज किया था, जबकि पेट्रोल कार की खोज कार्ल बेंज ने किया था। बाकी शेष ऑप्शन सही हैं। स्टेनलेस स्टील की खोज हेरी बियरले ने किया था, यूरेनियम की खोज मार्टिन क्लापरोथ ने किया था, क्लापरोथ ने पिच ब्लेंड से यूरेनियम को प्राप्त किया था, ओजोन की खोज क्रिस्पियन स्कोनबैन ने किया था। इन सभी खोजकर्ता का नाम ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस को जानते हैं जो अप्रैल में मनाया जाता है। पहला आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। थर्ड याद रखना है आपको 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। फोर्थ याद रखना है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। फिफ्थ याद रखना है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। अतः इन सभी दिवस को ध्यान में रखिए। चलिए कुछ ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के रूप में मनाते हैं। अतः इन सभी दिवस को ध्यान में रखिए। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन की व्यवस्था की जाती है। बाकी शेष सभी ऑप्शन सही हैं। डिजिटल भारत की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया था। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। मेक इन इंडिया के प्रतीक चीज शेर है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को किया गया था। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की गई थी, जबकि 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू किया गया। यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख की राशि कवर की जाती है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।